Hello and welcome dear students on my YouTube channel. Today I am going to discuss chapter 10 of class 6, that is work and energy. आज हम work and energy के बारे में पढ़ेंगे. We all use the term work very often in our daily life. However, the meaning of this term in science is not quite the same as in our daily usage. Work word का use हम लोग अपने लाइफ में बार बार करते हैं, जैसे मुझे आज बहुत काम है या फिर मुझे काम पे जाना है. इस तरह के शब्द आप सुनते होंगे, आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, आई गो टू जिम एंड डू लॉट्स ऑफ वर्कआउट. सो दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स इन आर लाइफ. बट व्हाट इज वर्क इन टर्म्स ऑफ साइंस, वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. A student sitting on a chair may feel that he/she has done a lot of work. आप सभी क्लास वर्क करते हैं, होमवर्क करते हैं, अपने चेयर एंड टेबल पर बैठकर घंटों पढ़ाई करते हैं. 4 hours, 5 hours आप कंटिन्यूस स्टडी करने के बाद आप टायर्ड फील करते हैं, बट द वर्क डन बाय यू इज सेट टू बी जीरो इन टर्म्स ऑफ साइंस. देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म वर्क in the terms of science. So let us see. What then is scientific meaning attached to the term work? To understand this, let us recall some of the concept and ideas that we have learned earlier. पहले आप पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई होता है, what is force? Any push or pull. तो जब भी किसी चीज़ पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो चीज़ मूव करती है. When this happens, the body gets displaced from its original position. और जब भी कोई चीज़ मूव करती है वो अपने ओरिजिनल पोजिशन से, यानी कि अपने इनिशियल पोजिशन से मूव करके दूसरे पोजिशन पे चली जाती है, और उस कंडीशन में हम कहते हैं कि द अप्लाइड फोर्स हैज़ डन सम वर्क ऑन द बॉडी. उस कंडीशन में वर्क डन होता है जब डिस्प्लेसमेंट होता है. फर्स्ट फिगर में आप देखिए, एक बच्चा एक ट्री को पूरी ताकत से पुश करता है, लेकिन ट्री थोड़ा भी अपने स्थान से नहीं हिलती है. ऐसे कंडीशन में वर्क डन ज़ीरो होगा. लेकिन सेकंड फिगर में, फिगर बी में, एक बच्चा कोई बॉक्स है उसको पुश कर रहा है और एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे उसको डिस्प्लेस कर दे रहा है. उस कंडीशन में देयर इज़ सम वर्क डन. So, what is work? Work is done by a force only when this force acting on a body produces some displacement of the body in its own direction. जिस direction में force apply होता है, उस direction में अगर body का displacement होता है, तब हम कह सकते हैं कि work is done. What is displacement? Displacement क्या है? Displacement is the shortest distance between initial position and final position of the body. जब भी किसी चीज़ को हम push या pull करके move करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो उसका initial position और final position के बीच में अगर हम एक straight line खींच दें, जो कि उसका shortest distance होता है, उस straight line को उसको displacement कहते हैं. Now let us learn about the factors affecting the work done. Work done पे कौन कौन से factors affect करते हैं. It is easy to realize that work done by a given force depends on two factors, namely the amount of force applied, जो force apply किया गया है उसका amount, and second is displacement of the object produced by the applied force. जो फोर्स अप्लाई किया है उसके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया गया है, उस डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है. सो वर्क डन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, द फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट. यहाँ फिगर में दो कार्ट्स दिए हुए हैं, कार्ट ए एंड कार्ट बी. आप देख रहे हैं दोनों का वेट बराबर है, और कार्ट ए एंड कार्ट बी दोनों को दो व्यक्ति पुश कर रहे हैं,
और ये पहला व्यक्ति जो है कार्ट ए ये 1 किलोमीटर पुश करके ले जाते हैं और सेकेंड केस में ये जो है 2 किलोमीटर्स लेकर जाते हैं। दोनों ही कंडीशन में फोर्स बराबर है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट है 1 किलोमीटर और सेकेंड केस में डिस्प्लेसमेंट है 2 किलोमीटर। सो वी सी दैट वर्क डन बाई कार्ट बी, द पर्सन हु इज़ पुशिंग कार्ट बी इज़ डबल देन द कार्ट ए। तो इस तरह से जो पर्सन कार्ट बी को पुश कर रहे हैं उन्होंने कार्ट ए के पर्सन से डबल वर्क किया है। सेकेंड सिचुएशन देखिए, कार्ट सी एंड कार्ट डी। कार्ट सी में 100 kg का लोड है और कार्ट डी में 200 kg का लोड है और ये दोनों ही व्यक्ति बराबर डिस्टेंस जाते हैं, दैट इज़ 1 किलोमीटर। तो इनका वर्क डन कितना होगा? इन दिस सिचुएशन द वर्क डन बाय द पर्सन पुशिंग कार्ट डी इज़ डबल देन द पर्सन हु इज़ पुशिंग कार्ट सी। नाउ इट इज़ क्लियर दैट द वर्क डन बाय अ फोर्स डिपेंड्स ऑन द अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय इट इन इट्स ओन डायरेक्शन। डू यू नो अ वर्टिकल फोर्स डज नॉट डू एनी वर्क ऑन ए हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस्ड ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हो रहा है, मूव कर रहा है, तो उस पर वर्टिकल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन ज़ीरो होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। एक्टिविटी वन, यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें स्टैंड विद योर आर्म्स इन फ्रंट ऑफ यू एट योर वेस्ट लेवल विद द पाम्स फेसिंग अपवर्ड्स। अपने पाम को अपवर्ड फेस करते हुए हाथों को रखना है। योर फ्रेंड पुट अ बुक ऑन ईच ऑफ योर हैंड्स। नाउ लिफ्ट द बुक्स फर्स्ट अबाउट द शोल्डर लेवल एंड देन लोअर देम बैक अ लेवल नियर योर हेड एंड देन लोअर देम बैक। आपको उस बुक को पहले अपने शोल्डर तक उठाना है और उसके बाद उसको अपने सेकेंड बार में नीचे से फिर उसको अपने सर तक ऊपर उठाना है और दोनों कंडीशन में आपको बताना है कि कौन से केस में आपने ज़्यादा वर्क किया। अभी जो आपने पढ़ा उस डेफिनेशन को, उस वर्क के डेफिनेशन को रिलेट करते हुए आपको इसका आंसर देना है। नाउ वर्क एंड एनर्जी। When we come home after playing, we are tired. खेलने के बाद या काम करने के बाद हम थक जाते हैं, हम tired feel करते हैं और कुछ समय के बाद जब हम refreshment लेते हैं, दोबारा food लेते हैं, कोई energy drink लेते हैं तो दोबारा energized, energetic feel करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है because our capacity to do work decreases. बहुत ज़्यादा काम करने से हमारा वर्क करने का कैपेसिटी डिक्रीज़ कर जाता है जिसको हम रीगेन करते हैं ऐसे फूड को खाने से जो हमें एनर्जी देते हैं। व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। इट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन आर्म मसल्स दैट एनेबल अ प्लेयर टू थ्रो अ बॉल। हमारे आर्म्स के मसल्स में या हमारे लेग्स के मसल्स में एनर्जी स्टोर होती है जो हमें खेलने में या क्रिकेट बॉल को थ्रो करने में हेल्प करती है। बैटरीज में भी केमिकल एनर्जी स्टोर होता है जो हेल्प करता है रेडियो को प्ले करने में, म्यूज़िक एंड टॉय कार्स को मूव करने में फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। सो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी विच आर यूज्ड। We will study about different forms of energy in my next video. Till then, enjoy learning.